दरियाए सिंध या सिंधु दरिया के पास मुख्तलिफ शहर आबाद हैं और इन शहरों को कायम करने वालों की मुनफरिद कहानियां भी गाहे बगाहे मंजर आम पर आती रही हैं। इसी दरिया के बीचों बीच साधु बेला का मंदिर वाके है जो रोहड़ी और सक्खर के दरमियान आता है। साधु बेला की कहानी यह है कि 1823 में उदासीन पंथ से ताल्लुक रखने वाले एक पादरी स्वामी बानखंडी ने इस इरादे के साथ इस मंदिर को बनवाया था कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वालों को उनकी कदीमी रिवायात दोबारा याद कराई जा सके। उदासीन पंथ एक मजहबी रिवायत है जिसे सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के बड़े बेटे श्री चंद ने 14वीं सदी के अवाइल में शुरू किया था। इस रिवायत से जुड़े साधु सन्यासी होते हैं और अपनी तमाम उम्र मजहबी किताबें पढ़ने में गुजार देते हैं। मगरबी इंडिया से शुरू होने के बाद सिंध इस वक्त उदासीन पंथ से ताल्लुक रखने वालों का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। सूबा सिंध का नाम जब भी लिया जाता है तब सबसे पहले जहन में खुश अखलाकी, अपनायत और मेहमान नवाजी जैसे अल्फाज आते हैं। साधु बेला का मंदिर और इसकी तारीख इस बात की गवाह है कि जब कभी मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई तो सब ने अपना अपना फर्ज निभाया है। यहाँ जहाँ एक तरफ मंदिर है वहीं दूसरी जानिब गिरजाघर और पारसी बिरादरी की इबादतगाह भी मौजूद है। तो आइए मैं और आप देखते हैं कि साधु बेला का मंदिर और इसके आसपास बनी मजहबी तामीरात की दरअसल तारीख है क्या। उन्नीसवीं सदी के अवाखिर तक सक्खर में हिंदू और मुस्लिम जिंदा पीर की दरगाह पर एक साथ इबादत किया करते थे। 1874 के गैजेटियर ऑफ सिंध में भी इस इज्तिमाई इबादत का तस्किरा है, लेकिन जब तक 1919 का गैजेट तैयार हुआ तब तक हिंदू इस जजीरे से हट चुके थे क्योंकि ब्रिटिश राज के दौर में ही हिंदू और मुसलमानों के दरमियान 13 मेरी शुरू हो चुकी थी और एक साथ इबादत करने वाले अब अपनी अपनी इबादत गाहों की दीवारें ऊंची करने में लग गए। इस पसे मंजर के बावजूद साधु बेला का मंदिर आज भी सबके लिए खुला है और यहाँ तक पहुँचना आसान है। ये मंदिर 9 एकड़ इलाके पर मुश्तमिल है जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ इंडिया, कैनेडा, बर्तानिया और अमेरिका से हिंदू यात्री आते हैं। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए दरिया पार करना पड़ता है जिसके लिए एक छोटी सी कश्ती हर वक्त खड़ी रहती है। इस कश्ती में बैठते ही एक तरफ 19वीं सदी में बनाया गया लैंसडाउन ब्रिज नजर आता है जो सक्खर और रोहड़ी को जोड़ता है और दूसरी जानिब जिंदा पीर की दरगाह नजर आती है जो एक दौर में हिंदू और मुसलमानों की मजमू इबादत गाह हुआ करती थी। इस मंदिर के अंदर पादरियों के श्लोक से ज्यादा यहाँ बनी दीवारें बोलती हैं। मंदिर के अहाते में दाखिल होने से बिल्कुल पहले दीवार पर स्वर्ग यानी जन्नत और नर्क यानी दोजख का मंजर दिखाया गया है जिसमें जिंदगी के एक नादिर उसूल को बताया गया है कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना भी होगा और अपना किया यही भुगत कर जाना होगा। इस मंदिर की हर दूसरी दीवार किसी न किसी दौर में नाफिज हुकूमत की अक्कासी करती है, जैसे इस दीवार पर फूल और दीगर नक्श मुगल दौर के लगते हैं और दीगर जगहों पर भी ये नकूश नजर आते हैं, जबकि इस मंदिर में छोटे बड़े आस्ताने और दरबार बनाए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि सक्खर और साधु बेला की तारीख एक दूसरे से कैसे मिली। मुमताज बुखारी एक सहाफी होने के साथ साथ तारीख पर नजर भी रखते हैं। उन्होंने बताया कि साधु बेला और सक्खर की तारीख का मेल जल्द या बदेर होना ही था। यहाँ जो सक्खर की जो लोकल आबादी थी वो मुख्तलिफ मजाहब में बटी हुई थी। यहाँ मंदिर है, इस मंदिर के साथ वहाँ मस्जिद है, मस्जिद के बाद आप देखेंगे तो आपको पारसियों का मंदिर मिलेगा, बाबा पारसी मंदिर है, मामा पारसी मंदिर है, उसके ऊपर आपको सेंट सेवियर चर्च गिरजाघर मिलेगा। तो ये एक सीरीज थी, ये मजहबी हारमोनी शुरू से ही सक्खर में रही है क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ मजाहब के लोग शुरू से रहते थे और उन्होंने जब शहर बिल्ट किया था तो उस वक्त भी ये सारे मजाहब के लोगों ने मिलके जो है शहर को बिल्ट किया। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको और डेवलप कर दिया। जितने इनके फिरके हैं हिंदू मजाहब के वो सारे आते हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो ये आइलैंड पे जो बना हुआ है तो मुख्तलिफ जो मजाहब है इवन मुसलमान हैं वो इसको देखने आते हैं। और इस वक्त इसकी जो प्रेजेंट सूरत हाल, एक तो हिंदुओं की वजह से उनकी ये मजहबी आस्थान है और जो सिंध की तारीख के हवाले से एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है और विजिटिंग साइट है और इसकी हिस्ट्री से इसकी इसको रिलेट करती है कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इस जगह पर पहले जंगल हुआ करता था और आसपास आइलैंड नजर आते थे। साधु बेला मंदिर एक अरसे तक शदीद बदइंतजामी का शिकार रहा। 2018 तक ये मंदिर मख्तूश हालत में था जिसे कई मुक्तदर हलकों में बर्पा होने वाले शोर शराबे के बाद सही कराया गया। रंगो रोगन हुआ और साफ सफाई की गई।
इसी मंदिर से निकलकर अगर शहर का रुख करें तो कहा जाता है कि साधु बेला की इमारत से ही मुख्तलिफ मजाहिब की इबादत गाहें नजर आया करती थीं। इनमें से एक पारसी बिरादरी का फायर टेम्पल हुआ करता था जो अब बंद हो चुका है। पारसी कंपाउंड में दाखिल होते ही दो चीजें नुमाया तौर पर नजर आती हैं। एक है वहां पर मौजूद फायर टेम्पल और धर्मशाला का बोर्ड, और साथ ही बना मामा पारसी स्कूल जिस पर 1923 का बोर्ड लगा हुआ है। पारसी कंपाउंड की मौजूदा इंतजामिया ने बताया कि अब यहां से ज्यादातर पारसी क्वेटा जा चुके हैं, जबकि बैरून मुल्क रहने वाले पारसी इस कंपाउंड की निगहदाश्त और इंतजामी बाग दौड़ को संभालते हैं। यहां से निकलते ही जब सेंट सेवियर्स चर्च का रुख किया तो पता चला कि इससे पहले कई बार इस चर्च पर हमला हो चुका है, तो अब चर्च का दरवाजा बंद रहता है। लेकिन जरा सी बातचीत और ये बताने पर कि हम सब दूसरे शहर से आए हैं, हमें अंदर जाने दिया गया। मुमताज बुखारी और दीगर माहिरीन बताते हैं कि शहर में किसी भी किस्म की चपकलिश के दौरान यहाँ की इबादत गाहें एक दूसरे को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए खोल दी जाती थीं। मुमताज बुखारी का कहना है कि शहर या मुल्क का माहौल कुछ भी हो, यहाँ अब भी रवादारी कायम है। एक जमाना था जब इस शहर में बनी मुख्तलिफ इमारतों से हर दूसरे मजहब की इबादत गाह नजर आती थी, लेकिन अब हाल ये है कि अगर देखना भी चाहें तो इन्हीं इबादत गाहों के गिर्द बनी ऊंची दीवारों पर निगाह ठहर जाती है। आज के दौर में मजहबी हमाहंगी पर बात करना एक मुनफरिद अमर लगता है, लेकिन सिंध में हालात जैसे भी रहे हों, साधु बेला का मंदिर और उसको बनाने वालों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है।